में बहुत जागरूकता है। यादव समाज के सैनिक हुए, किसान हुए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हुए, उद्योग में हुए, व्यवसाय में हुए, यादव समाज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा समाज है जहां सबसे ज्यादा जागरूकता है। और जब ये जागरूकता है, आपका भी कर्तव्य का वजन बढ़ता है। आपका क्या कर्तव्य है जब आप में इतनी जागरूकता है? आज हमें अपने देश को पहचानना है, हमारा देश क्या है। और मुझे कभी चिंता होती है कि हमारी नई पीढ़ी, मंडलोई जी, सभी यहां यादव समाज के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, आज जो हमारी नई पीढ़ी है जो इंटरनेट से जुड़ी है, आज जो नई पीढ़ी है जिनका अपना ज्ञान है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज इस नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज इन नौजवानों को जो ज्ञान है, हमारे बुजुर्गों को ऐसा ज्ञान कभी नहीं था। भगवान सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, आपकी दुनिया कुछ और थी जब आप इनके उम्र के थे, आपको इनका 10% भी ज्ञान नहीं था, सही बात है। तो आज ये नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी को हम कैसे जोड़ के रखें अपने देश की संस्कृति से, अपने देश के मूल्यों से। सबसे पहले हमें अपना देश पहचानना है। कोई ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां इतनी अनेकता हो, इतनी विविधता हो? कोई ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न त्योहार? कोई ऐसा देश है जहां इतनी अनेकता हो? हम तो यहां से दक्षिण जाते हैं, हमारा जो यादव समाज दक्षिण में है, उनकी तो लुंगी होती है, हमारी तो धोती पजामा होता है, ये अंतर है। तो ये हमें अपना देश पहचानना है कि ये देश, अपना देश जो एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये कैसे खड़ा है? पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, बड़े ताज्जुब से देखता है, सम्मान से देखता है कि एक ऐसा देश जो इतनी विविधता, सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ये विभिन्नता इतनी हो और ये एक झंडे के नीचे खड़े रहे, ये कैसे संभव है? मैंने विश्व में जिन देशों में दौरा किया, मेरे से ये प्रश्न पूछते थे कि भाई आपकी भाषा, तो अगर आप 300 किलोमीटर जाए, 500 600 किलोमीटर जाए, आपकी भाषा भी बदल जाती है। ये आज विभिन्नता ही जो आज एक झंडे के नीचे खड़ी है, हमारी नई पीढ़ी को समझना, ये हमारी संस्कृति का परिणाम है, हमारे सामाजिक मूल्यों का परिणाम है। और हमारे देश की शक्ति हमारे संस्कृति है, हमारे भारत के मूल्यों की है, हमारे समाज की मूल्यों की है। और जब तक इन मूल्यों को हम मजबूत ना रखें, इसकी नींव तो बन गई, हमारे बुजुर्गों ने नींव बना के रखी है, पर ये नई पीढ़ी को भी उन मूल्यों का कदर करें, मूल्यों को समझें, उन मूल्यों को अपनाएं और नई पीढ़ी उससे जुड़े, ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है अपने देश में। क्योंकि हम उस पटरी से अगर उतरे तो अपने देश को क्या होगा? और जो भी प्रयास किया जाता है, जो भी प्रयास, जो विदेश की बड़ी बड़ी शक्तियां प्रयास करती हैं कि भारत को कमजोर करने का, उनका एक ही प्रयास होता है कि भारत को कैसे बांटा जाए, भारत में कैसे भाषाओं के आधार पर कैसे बांटा जाए, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर कैसे बांटा जाए। इसी से ही भारत कमजोर होगा। हम कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, हम कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, हमारे पास तो वो मूल्य है, वो संस्कृति है और वो आध्यात्मिक शक्ति है जो बाकी देशों के पास नहीं है। यही आध्यात्मिक शक्ति हमारे देश को एक रखती है, हमारे देश को आगे बढ़ाती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हमारे जो नेता, वरिष्ठ नेता समाज के बैठे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को इससे जोड़े रहे, आज की नई पीढ़ी इससे फिसल ना जाए। आज जो ये इंटरनेट और व्हाट्सएप और ये सब क्या फेसबुक से जुड़ जाते हैं, इनका दिमाग ना घूम जाए,
जब तक ये हमारी संस्कृति से ना जुड़े रहें, हमारे सामाजिक मूल्यों से। हर समाज के अपने मूल्य हैं, पर हमारे भारत के भी मूल्य हैं। अंत में ये सब भारतीय मूल्य हैं, और यही भारतीय मूल्य हमारे देश को एक झंडे के नीचे रखते हैं। बड़ी चिंता की बात है, मैं देख रहा हूं इतने नौजवान बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं। कितनी बड़ी चुनौती है इस नई पीढ़ी की। आज की नई पीढ़ी जिसमें ज्ञान है, जिसमें एक तड़प है, आज की नई पीढ़ी जो पढ़ लिख ली, आज की नई पीढ़ी जिसके सामने केवल अंधेरा है, ये नई पीढ़ी का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, यही हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है। यही हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है कि ये नई पीढ़ी जो हमारे मध्य प्रदेश का, ये नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका भविष्य ही अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा, हम कैसा मध्य प्रदेश बनाएंगे भविष्य में। और आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, वो तो रोजगार चाहता है। और ये तभी संभव है जब हमारे प्रदेश की पहचान बने, हमारे मध्य प्रदेश की पहचान छोटे छोटे प्रदेशों से ना हो, की तुलना छोटे छोटे प्रदेशों से ना हुए। हमारे मध्य प्रदेश की तुलना अगर करना है तो बड़े बड़े प्रदेशों से करें, तभी हमारे मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। और निवेश तो तब आएगा जब मध्य प्रदेश में विश्वास होगा। कोई कहीं निवेश नहीं लगाता अगर उसे उस प्रदेश में विश्वास ना हो। हम को मध्य प्रदेश में विश्वास, एक नया विश्वास पैदा करना है, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनानी है। क्या हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से हुए? क्या हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की पहचान भोपाल गैस ट्रेजेडी से हुए? विश्व में जब मैं कहता हूं मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, कहते हैं अच्छा भोपाल, भोपाल हमारी पहचान क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी से होगी? हमारी पहचान क्या ये माफिया से होगी? हमारी पहचान क्या उस प्रकार की राजनीति से होगी जिससे हमें दूर रहना चाहिए? इतनी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे राजनीति में भी कोई भी दल हो, ये भी कोई सिद्धांत होते हैं, पर अगर हमारी राजनीति में भी गिरावट आए, आज हमें रक्षा करनी है कि हमारी राजनीति में भी गिरावट ना आए। राजनीति में जब गिरावट आती है तो ये गिरावट का मायने क्या है? सब सोचते हैं कि ये बिकाऊ है, सब कहेंगे कि ये दब जाते हैं। सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो बिकाऊ नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है, ये सिद्धांतों